नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एज ए फ्रेशर आप कैसे जॉब पा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ अपना 20 ईयर का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, और साथ में जो मैं अपनी कंसल्टेंसी चलाता हूँ उसमें मैंने हजारों लोगों की नौकरी लगवाई है, उसके आधार पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि एज ए फ्रेशर आप कैसे जॉब पाएँ। दोस्तों मेरे पास में काफ़ी लोगों का कॉल आता है, एक्सपीरियंस बंदों का, उनकी तो मैं आसानी से जॉब लगा पाता हूँ, लेकिन एज ए फ्रेशर मैं मना कर देता हूँ कि फ्रेशर इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो उससे फ्रेशर जो हैं MBA पास आउट हो गए, BTech पास आउट हो गए, BA पास आउट हो गए, ये हताश होकर के हमसे बोलते हैं, सर अगर आप हमें जॉब नहीं दिलवाएंगे तो हमें एक्सपीरियंस कैसे होगा। तो दोस्तों मैं इसका उपाय बताने जा रहा हूँ, इसका तोड़ बताने जा रहा हूँ, और मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक एजुकेशन वाइज मैं आपको बताऊँगा। पहले एज ए MBA डिस्कस करूँगा, एज ए MBA पास आउट, एज ए फ्रेशर आप कैसे जॉब पा सकते हैं आसानी से, फिर एज ए BTech के बेसिस पे बताऊँगा, फिर एज ए BA बताऊँगा, एज ए ग्रेजुएट बताऊँगा कि एज ए आप कैसे जॉब पा सकते हैं फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों अगर आप ने MBA कर रखा है और फ्रेश MBA आपने कर रखा है और आप MBA ग्रेजुएट हैं और आप पास आउट MBA स्कूल से, बी स्कूल से आपने किया है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप जॉब पा सकते हैं एज ए फ्रेशर। तो सबसे पहला दोस्तों ये है कि एज ए फ्रेशर MBA आप अपने सीनियर से ज़रूर कनेक्ट में रहें, टच में रहें। और आजकल तो दोस्तों लिंक्डइन हो गया है, फेसबुक हो गया है, जिसके थ्रू आप अपने सीनियर से कनेक्ट में रह सकते हैं। मैंने एक अच्छा रेपो बना के रखे तो आपको जॉब दिलवाने में आसानी होगी, करेंगे वो हेल्प करेंगे। और दोस्तों बहुत सारा बी स्कूल से, IIMs हो गया और बड़े टॉप नॉच बी स्कूल से, वहाँ पे तो सारा प्लेसमेंट जो है उनके जो है अलुमनाई जो है वही करवा देते हैं। तो हमेशा सीनियर से टच में रहें। फिर दोस्तों आता है अगर आप MBA में 2 महीने का समर ट्रेनिंग होता है, तो आप समर ट्रेनिंग को आप इग्नोर मत करें और उसको लाइटली मत लें। कई लोग तो दोस्तों हमने देखा है कि समर ट्रेनिंग फर्जी, उसमें डॉक्यूमेंट लगा दिया, समर ट्रेनिंग का एक दोस्तों एक मार्क्स एलोकेटेड होता है, उस मार्क्स को कवर करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं और समर ट्रेनिंग करते नहीं, घर पे बैठे रहते हैं। तो ये दोस्तों आपकी बहुत बड़ी भूल है एज ए MBA। अगर आप समर ट्रेनिंग मिलता है करते हैं तो वहाँ आपका जॉब मिलने का बहुत बड़ा चांसेज है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, आपने समर ट्रेनिंग किया, उसी कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो जाए और आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आपको पहले बार मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री में कैसे काम होता है उसको आप देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको सीखेंगे। और आगे चल के दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अगर जॉब मिलने में, कि आज ये एक्सपीरियंस में भी इसको आप काउंट कर सकते हैं और शो दिखा सकते हैं। तो समर ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग योर MBA, पढ़ाई से भी ज़्यादा इसको इग्नोर मत करें अगर आप जॉब लेना चाह रहे हैं आसानी से। तो उसके बाद दोस्तों जैसे Naukri.com हो गया, ऑनलाइन पोर्टल हो गया, जॉब है हो गया, मॉन्स्टर टाइम्स, यहाँ पर भी आप ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर भी आप जॉब डाल करके, आप रेज्यूमे डाल करके आप जॉब पा सकते। फिर दोस्तों आता है MBA फाइनेंस। दोस्तों एज ए MBA मार्केटिंग कर रहे हैं तब तो आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी, अगर MBA फाइनेंस करके जॉब मिलना अकाउंटिंग फील्ड में काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि थ्रू आउट MBA आपको अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है। तो अगर आप MBA करके फाइनेंस में जॉब पाना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट के अंडर में फ्री में भी हो, 2-3 हज़ार 5 हज़ार आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, पैसा मत देखिए, आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट के अंडर में लग जाइए, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, देन आफ्टर आप फाइनेंस फील्ड में आप एज ए MBA फाइनेंस आपकी एंट्री हो जाएगी। और दोस्तों मार्केट का ये कंडीशन है कि पैसा देख के भी तो कोई काम सिखा दे तो काम सीख लीजिए, पैसा स्टार्टिंग में एज ए प्रेशर नहीं देखिए अगर आपको आगे बढ़ना है। तो एज ए MBA HR में, रिक्रूटमेंट में अगर अपना करियर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं
रेफरेंस से कहीं इंटरव्यू हो सकती है, या किसी कंसल्टेंसी है, रिक्रूटमेंट फर्म है, ठीक है, पेरोलिंग कंपनी है, वहाँ पे आप एंट्री कर जाएं। स्टार्टिंग में सैलरी स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 10,000 जो भी है, वहाँ पे जाएं और काम वहाँ से आप सीख सकते हैं, वहाँ पे एंट्री आराम से हो जाती है। अगर आप छोटी सी कंसल्टेंसी में भी जॉब करें तो वहाँ से बड़ी कंपनी का ये आपका रास्ता खुल जाएगा, इंफोसिस, रिलायंस, और काफ़ी लोग हमने जॉब लगाई है तो उनका एक्सपीरियंस खुद शेयर करते हैं कि सर आपने छोटी कंपनी में हमारा स्टार्ट कर दिया, यही बेसिस पे हमने आज हमारी ज्वाइनिंग आज मुझे रिलायंस में हो गई और बड़ी कंपनी टाटा में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। अगर हम स्टार्टिंग हम छोटी कंपनी से नहीं करते, आपने नहीं लगाया होता तो आज मैं बड़ी कंपनी में मेरी एंट्री नहीं होती। तो छोटी कंपनी में से भी आप एंट्री कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैं एज ए बीटेक जो है, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एज ए फ्रेशर आप कैसे जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों बीटेक की जो पढ़ाई है ये टेक्निकल पढ़ाई है, तो टेक्निकल पढ़ाई में आप लैब में ज़रूर आप जाएं, वर्नियर माइक्रोमीटर जो भी है वो टेक्निकल चीज़ को लैब ज़रूर अटेंड करें, इसको इग्नोर नहीं करेगा। अरे जॉब जॉब आपको चाहिए तो आप अगर ऑटो कैड एच बी एस सी का ट्रेनिंग कर आप बीटेक के दौरान अगर कर सक लेते हैं तो इसमें भी आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। और छोटी कंपनी से भी आप स्टार्ट करें तो छोटी कंपनी में एज ए फ्रेशर चाहिए होता है, हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है हर एक कंपनी में, छोटी कंपनी में जिनको वो ट्रेनिंग दे देते हैं कहाँ से काम करना है। सीएनसी मशीन ऑपरेटर हो गया, बीएमसी ऑपरेटर हो गया, मतलब शर्म मत करिए मशीन को हाथ लगाने से। मशीन को हाथ लगाने से आप इग्नोर करेंगे तो आप फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं मिलेगा, जॉब मिलने में भी काफ़ी काफ़ी मुश्किल होगी। तो ईगो को तो दोस्तों छोड़ ही दीजिए अगर आप जॉब चाहिए तो एज ए फ्रेशर। और उससे भी बड़ा उपाय मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है कुछ मत करिए, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, मतलब कि लाखों कंपनीज है, मतलब आदमी से ज़्यादा कंपनी, मैंने कभी भी सोच भी नहीं सकता था इतनी कंपनी है। आप कुछ मत करिए, एज ए फ्रेशर आप रेज्यूम उठाइए और उसको उसका जेरोक्स करवाइए प्रिंट आउट लेकर के, और 100 200 रेज्यूम लीजिए और आप गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाइए, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए, फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए, गुड़गांव में जाइए डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए, और 100 सबको ईमेल करिए, और 100% बोलता हूँ दोस्तों कॉल आएगा, क्योंकि हर एक कंपनी को चाहिए, या फ्रेशर भी वो खोज रहे हैं एक्सपीरियंस वाले से जो कि कम पैसा पे हेल्पिंग हैंड उनका काम निकाल दे और आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और इस तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। और बड़ी कंपनी की शुरुआत जो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो छोटी कंपनी से होती है। अगर छोटी कंपनी से आप एंट्री नहीं लिए तो बड़ी कंपनी में एंट्री मिलना मुश्किल है। और ट्रेनिंग तो दोस्तों जरूर कर ले, जो भी जावा हो, पीएचपी हो, एज ए आप सीएस में है, कंप्यूटर साइंस आपका स्ट्रीम है तो ऑटो कैड हो, और मैकेनिकल है तो इलेक्ट्रॉनिक का है तो पीएलसी का वो ट्रेनिंग कर ले, वो दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है। फिर दोस्तों आता है बीकॉम, आता है बीकॉम दोस्तों अगर जॉब अगर करना चाह रहे हैं तो आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट के अंडर में फ्री में भी लग जाएं, 2 3 हज़ार रुपये अगर स्टाइपेंड मिलता है तो वहाँ भी लग जाएं, वहाँ से अगर ट्रेनिंग आप ले सकते हैं कर ले तो आपको आराम से एज ए अकाउंटिंग का अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एज ए बीए दोस्तों बोल रहा हूँ, एज ए फ्रेशर हैं तो किसी साइबर कैफे, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी साइबर कैफे में लग जाएँ, वहाँ पर फ्री में भी लग जाएँ, 1 2 हज़ार रुपये भी दे दें तब भी लग जाएँ, और उनका जो डेटा एंट्री का काम कर लिया करें, जो स्कैनिंग स्कैनिंग हो एक्सेल में जो भी है वो सब काम कर ले, तो देख देख करके दोस्तों काम सीख लेता है। अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तब भी आप रिज्यूम पे दिखा सकते हैं कि हमने यहाँ पे काम किया और कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं, तो जो आप देखेंगे तभी तो बोल पाएंगे, जब कभी इंडस्ट्री में एंट्री ही नहीं हुई है तो आप बोलेंगे कैसे। तो दोस्तों ऐसे आप ले सकते हैं। और दोस्तों आईटीआई और डिप्लोमा की जहाँ तक बात है तो आईटीआई टेक्नीशियन का जो कोर्स है उसमें आप उसमें भी प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल जरूर जरूर पार्टिसिपेट करें। आप सीसीटीवी टेक्नीशियन का ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके जो ग्राफिक डिजाइनिंग का दोस्तों कई जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लोग लाइटली में रहते हैं लेकिन इस जगह से का ट्रेनिंग अगर कर लिया जाए तो जॉब मिलने में काफ़ी आसानी होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कोडिंग हो गया, जावा, पीएचपी,
मोबाइल रिपेयर का टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे 10-20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये दे करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं और सिखाते भी हैं। यहाँ से अगर सीख करके अगर बाहर निकले तो आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल चैन करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।